हरियाणा सरकार के सुधार कार्यक्रम के डायरेक्टर एवं गायक गीतकार रॉकी मित्तल द्वारा भाजपा सरकार की उपलब्धि व कार्य प्रणाली पर गीतों से सरोवर कैसेट शनिवार को इंद्रियों में राज्य मंत्री करणदेव कांबोज के कार्यालय रामगढ़ छात्रों में लॉन्च की गई। राज्य मंत्री करणदेव कांबोज ने कहा कि रॉकी मित्तल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों व कार्यक्रमों पर गीत तैयार कर गए हैं। यह गीत जनता में भाजपा सरकार के जनहितैषी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रॉकी मित्तल ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर जो गीत तैयार किया है वह लोगों के दिल को झकझोर देंगे। रॉकी मित्तल का कहना है कि गाना लोगों के मन को खूब भाया, सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर ठुमके लगाए और मंत्री करणदेव कांबोज भी कार्यकर्ताओं के बीच गाने पर नाचते नजर आए। रॉकी मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेकर गीत प्रस्तुत किया है तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली को लेकर वास्तविकता को शब्दों में पिरोकर प्रस्तुति दी है। मनोहर लाल ने विरोधियों को रगड़ रगड़ के धोया, लोगों ने खूब पसंद किया। उनके गीतों पर कार्यकर्ता व खुद मंत्री करणदेव कांबोज ने भी खूब ठुमके लगाए। रॉकी मित्तल ने कहा कि वैसे तो मैं जनसेवा के कार्यों में लगा हूं, लेकिन यदि भाजपा ने टिकट दिया तो मैं कैथल से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। उन्होंने कहा कि कैथल में हरियाणा के कांग्रेस विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को हराकर धूल चटाना चाहता हूं। कांग्रेस में राहुल गांधी पर बनाए गए गीत को लेकर दिल्लू राम बाजीगर द्वारा बैन लगाने की मांग पर उन्होंने कहा कि बाजीगर पिक्चर लावा कारतूस उनकी मांग में कोई दम नहीं है, क्योंकि गीत में प्रस्तुत संवाद व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिस स्कूल की शिक्षा का दौरा इन पर आरोप लगाए गए थे, उस शिक्षक ने उनसे लिखित में माफी मांग ली। उस स्कूल में कई समस्याओं को देखने के लिए पहुंचा था। उन्होंने कहा कि स्कूलों व कॉलेजों के बाहर लड़कियों से होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर सरकार ने रोक लगाने का प्रयास किया है, लेकिन यह कार्य और भी शक्ति होना चाहिए। बस वहीं तक लगाना। एंकर विनायक, सॉन्ग मैंने सीएम साहब का बनाया। सारे विरोधी मनोहर लाल ने रगड़ रगड़ के धोए, हुड्डा चटाला बैठ कुंड में माथा पकड़ के रोई। अभी एक हमारे संसदीय सचिव है दिल्लू राम बाजीगर जी, उसने बोला कि गलत है। मैंने बोला यार, इतनी बुरी हार होने के बाद, चाहे कांग्रेस की हार थी, नेल्लो की थी, जेजेपी की थी, इतनी बुरी हार के बाद भी यदि नहीं रोते तो बड़ी बेशर्मी की बात है। और मैं ये गाना मंत्री जी के यहाँ पे ऑफिस में करने वाला था रिलीज, तो मंत्री जी ने बोला कि नहीं, आज तक तो बड़े बड़े ऑफिसों में होता है, तो अब की बार पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर गाना रिलीज होना चाहिए। तो फिर मैं इंद्री आया हूँ और पहली बार इंद्री के अंदर कोई प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और कार्यकर्ताओं का जोश भी है। अब की बार एक हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात है, भले ही मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ। अब की बार कमल का बटन दबा खुद मोदी जी ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, जो एक थीम सॉन्ग बना भाजपा का पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अरे हरियाणा के लिए एक फख्र की बात है कि कई बार तो मेरे को अमेरिका या इंग्लैंड के क्लबों से भी कॉल आते हैं जो मोदी समर्थक है, कि यहाँ पे भी आपके गाने बजते हैं और पूरे देश के अंदर हरियाणा के बने हुए गाने बजते हैं, चाहे कोई भी किसी की रैली है, चाहे कोई फंक्शन है। और आज उसी की एक कड़ी है कि हमने पहले ही गाना बनाया था, 3 महीने पहले गाना बनाया, 10 की 10 हम सीट जीता। अब हमने गाना बनाया 75 पार, हालांकि हमारी भाजपा का नारा है अब की बार 75 पार। उसी चीज को लेकर और विपक्ष के ऊपर लेकर के भाई उन लोगों का, इनल लोगों का, जेजेपी का क्या हाल है। और हम ये बताना चाहते हैं कि देश को, प्रदेश को, कि आने वाला समय सिर्फ भाजपा का है, ईमानदार लोगों का है। हम लोगों ने मेरिट बेस पे नौकरियां दी हैं, हम लोगों ने गुंडागर्दी को खत्म किया और उन लोगों ने गुंडे पैदा किए, फिरौतीबाज पैदा किए। आज बड़ी मुश्किल से उन गुंडा टाइप पार्टियों से हमारे प्रदेश का छुटकारा मिला है और प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि दोबारा ऐसे लोग आए। अरब की बार तो हो सकता है कि 90-90 सीटें भी जीत जाए, 75+ तो हम जीतेंगे ही। गाना मैंने अभी बनाया था मोदी जी की जीत के ऊपर, जश्न नाव आ गया मोदी, और अभी मैंने एक गाना बनाया, ये जो हुड्डा चौटाला बैठ कूड़ में रोए, और इसके ऊपर भाई हुई मनोहर की बल्ले बल्ले, एक अच्छा सॉन्ग है, आपको सुनने में आएगा। सत्ता विपक्ष का एक तालमेल ऐसा बिठाया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं एकदम इतनी लैंग्वेज ऐसी यूज करता हूँ, हिंदी हरियाणवी मिक्स, कि वो सबको समझ में आए, चाहे पंजाब का रहने वाला उसको भी समझ में आता है। और अभी आपके सामने आपको मैं उसका लिंक भी दूंगा और आपको सारे स्टेज के ऊपर हम कार्यकर्ताओं के बीच में ही। विपक्ष की एक सुमित्रा चौहान है, उसकी आई थी कि हम सड़कों पर उतरेंगे। एक मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी 1 मिनट 20 सेकंड की, भाई इटली चले मम्मी नानी के घर। भाई मैंने बोला है कि 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, जब दुखी होता है आदमी, जब पार्टी के अंदर तुम्हारी खुद पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने बोला इस्तीफा दे के आपने घर बसा लेना चाहिए। खुद वो तो राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं स्वीकार कर रहे, क्योंकि उनके अंदर एक परिवारवाद है।
वो सदियों सदियों से जो उनका परिवार वहां चला आ रहा है वो आपको किसी को देखना भी नहीं चाहते। और मैंने उसको एडवाइस दी है कि भाई आपके राजनीति बस की बात नहीं है, और उसके अंदर बोला है कि मुझे मोदी जी का चेला बना दो, उसकी मम्मी को कह रहे हैं। तो मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ, जो गुरु मंत्र मोदी जी दे सकते हैं देश को कोई भी नहीं दे सकता। जी एक चले हुए कारतूस है, 10 साल से सत्ता से बाहर बैठे हैं, उसको अपने एरिया में कोई पूछने वाला नहीं है। वो छोटी पब्लिसिटी, मेरे जैसे एक स्टार प्रचारक का नाम लेके सोचता है कि पब्लिसिटी मिल जाएगी। चले हुए कारतूसों को जनता नकार चुकी है, जिनको जनता ने नकार दिया वो मेरे ऊपर क्या कटाक्ष करेंगे। रहेगी बात ये, जो कांग्रेस बार बार मोदी जी को चोर बताती है, चोर मोदी जी चोर, खुद मोदी जी ने कुरुक्षेत्र की रैली में बोला था कभी ये गधा बोलते हैं कभी बंदर बोलते हैं। और सीएम साहब को देख लो, चौटाला साहब ने कितने वो बोला कि आवारा पशु की एक संज्ञा दी। तो इनके ऊपर कटाक्ष करना, क्या हम नहीं कटाक्ष कर सकते? मोदी जी के पास टाइम नहीं है, ना सीएम साहब के पास टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है ऐसे ऐसे लोगों को लपेटने के लिए। उसने गाना सुना ही नहीं है। मैंने उसको बोला भाई जूतम जूता हुई कांग्रेस, सारे को सबको पता है कि जूतम जूता है। कांग्रेस आई के उड़ गए तोते, 10 की 10 सीटों के बाद भी तुम्हारे तोते नहीं उड़े तो कब उड़ेंगे। और मैंने बोला किरण सैलजा तंवर दीपेंद्र रणदीप जैसे हो गए खोटे, एक दूसरे का कांटा गाड़ गए। भाई मैंने उसका बोला भाई सारे ठंडे हुए यार, इसका मतलब जब हुड्डा ने रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकाला जींद में तो रणदीप ने सबका निकाल दिया। एक दूसरे का कांटा निकालने में जरूर लगे हो, हमने तो जरूरत ही नहीं उनके साथ फाइट करने की, वो फाइट से ऑलरेडी बाहर है, वो तो अपने आप ही भिड़ भिड़ के मर जाएंगे। उनको पता है कि जनता के अंदर अब सारे के आप देखो ना डेली इनेलो है, जो कोई भी है, हर बंदा चाहता है कि मैं बीजेपी में जाऊँ। एक मामला पकड़ा था, एक बहुत बड़ा रैकेट था, वो मन मामला पकड़ा, जब उसको लगा कि मैं मीडिया के अंदर बदनाम हो जाऊंगी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने बाद में माफ़ी मांगी, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड माफ़ी है। लेकिन वो एक महिला थी, महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ, एक मेरी माँ के समान थी, वो कितना भी चिल्लाई लेकिन उस टाइम मेरा चुप रहना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारी पार्टी भाजपा ही पार्टी एक ऐसी है जो महिलाओं का। देखो राजनीति का तो बात पता क्या होता है, हमारी एक सेवा करने की इच्छा रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई सिंगर है या कुछ है वो राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता। राजनीति तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि जब सारे हरियाणा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अभी कल ही एक SDM साहब थे, वो लोगों की सुनते नहीं थे, सारा दिन उस पे रहते, CM शूट में रहते थे, उसकी भी आज खबरें आई हुई है। और हुड्डा के अंदर भी मैंने शुक्रवार को रेड की थी, वहाँ पे 300 की गड्डियाँ मिली है। तो मैं तो हर जगह हर प्रकार की रेड करता हूँ, और आपके भी कोई कोताही बरता तो मुझे बता देना। चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, मैं कैथल से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो इसलिए लड़ना चाहता हूँ, रणदीप सुरजेवाला अपमानजनक टिप्पणियां करता है मोदी जी के ऊपर, और मैं पूरा देश जानता है कि मैं मोदी भगत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जो जींद जमानत बचा के आ गया था मैं उसकी जमानत जब्त कराऊं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। पार्टी हाईकमान पे जब मौका आएगा टाइम आएगा तो करेंगे, और मैंने इस बात की तो कोई वो बात नहीं है कि मैंने मन से जाहिर नहीं की, लेकिन टाइम अभी नहीं है, अभी तो चुनाव का 2.5 महीने पड़े हैं, जब टाइम आएगा देख सकें। गाने भी उसी हिसाब से बनाएंगे, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आजाद है उसी जी के आने के बाद ही तो देश आजाद हुआ असली में, तो इसलिए बजाते थे कि भाई दोबारा देश को असली आजादी मिली है, नहीं तो भ्रष्टाचारियों का राज था और कुछ भी नहीं था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उन चुनाव के अंदर जिस प्रकार से अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर इस बात को लेकर के पूरा जोश है। और इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारे एक और सुधार प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भाई रॉकी मित्तल जी जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए गीत बनाते रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को समर्पित उन्होंने कई प्रकार के ऐसे गीत उन्होंने बनाए जिसका आज की युवा पीढ़ी में बहुत ही क्रेज है और युवा पीढ़ी उनको बहुत पसंद करती है। आज ऐसे युवा दिलों की धड़कन भाई रॉकी मित्तल जी आज यहाँ एक नए गाने का जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए और उनके उस काम की वजह से जो हरियाणा के अंदर विपक्ष का हाल हुआ है वो सारा बयान जो है उन्होंने अपने गाने के अंदर उसको समायोजित किया है। आज उस गाने को यहां से रिलीज किया जाएगा। तो आज भाई रॉकी मित्तल जी हमारे क्षेत्र में 3-4 इस प्रकार के नए गाने जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ऊपर इन्होंने बनाए हैं, देश की वर्तमान परिस्थिति के ऊपर बनाए हैं। तो आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंद्री के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि आज भाई रॉकी मित्तल जी उनके बीच में ये सारे गाने गाएंगे और सारे हमारे कार्यकर्ता युवा साथी सब जो है ना आज पूरे उसमें जोश क्रोश में आज उनके साथ जो है ना डांस भी करेंगे।